नमस्कार, सचिव भूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड पे। आज बहुत ही हर्ष का विषय है, आज हमारे बीच में हैं श्री केश मौर्य जी और इनका जो सिलेक्शन हुआ है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में, तो आज हम लोग इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आप सबसे पहले अपने पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम श्री केश मौर्य है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चरियाम बुजुर्ग देवरिया से डिप्लोमा 2021 का पास आउट हूँ। जब मैंने डिप्लोमा को पास किया तो मुझे लगा मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो हमारे कुछ सीनियर्स थे जिनके द्वारा हमें पता चला कि हाँ, इलाहाबाद में कोचिंग चलती है और काफ़ी अच्छा कोचिंग है, एक्सीलेंट टेक्निकल विजन एकेडमी। तो हमें लगा कि वहाँ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फीस भी उतना ज़्यादा नहीं है और इलाहाबाद में काफ़ी एजुकेशन के लिए अच्छा भी रहा है, तो हमें लगा कि वहाँ मुझे जाना चाहिए। तो हम जब यहाँ पे आए और इसके बाद एडमिशन लिए, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो हमने जो डिप्लोमा में पढ़ा था उससे वो भी मुझे पढ़ने को मिला और काफ़ी अलग अलग चीज़ रोज़ मुझे सीखने को मिल रहा था। बाकी मैं जब जिस टाइम मेरा कोचिंग चल रहा था, मैंने सोचा कि अब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मतलब कोचिंग ख़त्म होता गया धीरे धीरे और एक एक सब्जेक्ट जैसे ख़त्म होते गए उसको रिवाइज करता गया और अदर हमने टेस्ट भी मारे हैं। बाकी जब यहाँ पे आए तो एक कुछ एग्ज़ाम हमने दिए लेकिन हम उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा क्योंकि कोचिंग उस टाइम चल रहा था। सुबह उठना कितना भी हो जाए, कितना भी ठंडी पड़े, कुछ भी हो, सुबह उठना है, नहाना है, कोचिंग आना है। कोचिंग में हम जैसे आप लोग सोचते होंगे कैसे कोई बैठता होगा, 5-5 घंटे 6-6 घंटे एक ही सीट पर बैठना पढ़ना। तो फिर जब यहाँ से कोचिंग ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद देखिए, अगर आप लोग भी आइएगा तो कोचिंग ख़त्म होने के बाद यहाँ से घर नहीं जाइएगा, ज़रूर यहाँ रुकिएगा 6 महीने साल भर, क्योंकि हमने भी यहाँ पे रुका और हमें लगता है कि 6 महीना हम रुके हैं कोचिंग ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मेरा जनवरी या फरवरी में कोचिंग ख़त्म हुआ। फिर जैसे उसके बाद एग्ज़ाम दिए, SSC JEE दिए, कुछ नंबर से उसमें छट गए, पावर ग्रिड में भी छट गए, तो फिर हमें लगा कि कब मेरा होगा, कब मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन हमने जितना भी नोट्स पढ़ा है या जितनी भी तैयारी की है, हमने बस नोट्स को पढ़ा है और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। बाकी सब सर जी लोगों का आशीर्वाद है, बाकी इस कोचिंग का, इस ऑर्गेनाइजेशन का भाई इतना बड़ा हाथ है कि ये सब सफल हो पाया है। यानी कितने लोगों की ज़िंदगी को ये कोचिंग सफल बनाया है, मैं जितने कम पैसे में कितने लोगों के परिवार को जो चिराग है उनको जला रहा है, अच्छी बात है। और मैं सबसे पहले शशि भूषण सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस पूरे टेक्निकल विजन के पूरे जो मेंबर्स हैं उनका सबका धन्यवाद दिल से देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी की वजह से मेरी भी जिंदगी और मेरी भी लाइफ सुधर गई है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। और जो है कि अब थोड़ा सा बच्चों को ये बताइए कि क्या आपने सारे सब्जेक्ट पे मेहनत किया कि क्या कुछ पार्टिकुलर, जो आप जैसे आपका डिपार्टमेंट रहा इलेक्ट्रिकल ना, तो आपको क्या लगता है कि सारे सब्जेक्ट पे बराबर मेहनत करने की जरूरत है या कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कम फोकस करना चाहिए, इसके बारे में जरा बच्चों को बताएं। जी बिल्कुल सर, देखिए जो हम लोगों का जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें लगभग 60-70% तो बस टेक्निकल ही होता है, तो हमें लगता है कि उतना हमें ध्यान टेक्निकल पर भी देना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन की असली वजह नॉन टेक भी बनता है। नॉन टेक में हमें अच्छा खासा सा ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे जो पढ़ाया गया है उसको, और जो भी हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसको भी हम, इसे हम, मेरा टेक्निकल उतना तो मजबूत नहीं था लेकिन हाँ, फिर भी एवरेज जो भी क्वेश्चन आते थे हम उसे कर लेते थे। और यहाँ पे जो हम लोग के JEE वगैरह में पूछे जाते हैं जितने भी नॉन टेक वाले क्वेश्चन, वो ऐसे नहीं होते हैं जैसे कि CGL लेवल का हो या और हाई लेवल का हो, वो ऐसा ही क्वेश्चन होते हैं कि अगर नॉर्मली ही कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है और हिस्ट्री पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, तो उतना वो कर ले जाएगा। तो यहाँ से जो शशि भूषण सर के द्वारा पढ़ाया गया था, जैसे शशि भूषण सर हम लोग को बायोलॉजी पढ़ाए थे, फिर हम लोग को पॉलिटी पढ़ाए थे, तो वहाँ से भी कुछ ऐसा खासा तैयार हुआ है, हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई गई थी, तो हम एक एवरेज लेके चलते थे और हम ज़्यादातर अपना टाइम टेक्निकल पे ही देते थे, लेकिन जब कहीं छट जाते थे कुछ कुछ नंबर से तो हमें लगता था कि मेरी जो यह गलती है वो नॉन टेक न पढ़ने की वजह से, क्योंकि अगर शायद हमारा नॉन टेक में कुछ और क्वेश्चन सही हो गया होता तो मेरा हो गया होता, यही डर बना रहा था। और हम दोनों को एवरेज लेके चलते थे, लेकिन हाँ ये है कि जिसका जितना वेटेज है अगर उतना समय दिया जाए तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्री केश मौर्य जी, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि इसके आगे का सफर आपका बेहतरीन हो और जो आपके माता पिता ने संघर्ष किया था आपके लिए वो आपका संघर्ष कहीं ना कहीं सफल हुआ। चलिए, एक बार धन्यवाद सभी अपने दर्शकों को जो अभी तक हमसे जुड़े हुए थे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू पे इम्तिहान होता है, भागने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, मगर लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है।
वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है, वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है।